सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, कल हमने छठी कक्षा के पाठ नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे के एक पद का अध्ययन किया था, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने एक 10-11 साल की लड़की के विचारों के बारे में बताया है, जो चांद से कई सवाल पूछती है और उनसे उत्तर जानना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में और रफ नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो इसका जो दूसरा पद है वो इस प्रकार है। तो क्या इसमें, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी वाजी वाह। तो क्या कह रही है वो बच्ची चांद से, कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। सिमत क्या होता है, दिशा। तो आपकी पोशाक वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। क्या कह रही है बच्ची चांद से, कि आप हमेशा थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं। वाजीवा, वाजीवा मतलब आप कमाल की बात है, आप हमेशा तिरछे नजर कैसे आते हैं। तो आगे क्या है, हमको बुद्धू ही निरा समझा। बुद्धू होता है मूर्ख, निरा मतलब सारा। हमको बुद्धू ही निरा समझा, हम समझते ही नहीं जैसे। कि क्या कह रही है वो बच्ची छोटी सी गुड़िया, कि आपने हमें निरा बुद्धू, हमें निरा मूर्ख समझ रखा है क्या, हम समझते ही नहीं जैसे, कि हम समझते नहीं कि आपको कोई बीमारी है। कि हम सब समझते हैं कि आपको ये कोई बीमारी है, जिसे आप हमेशा तिरछे और टेढ़े नजर आते हो। तो आगे क्या कह रही है बच्ची, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो क्या कह रही है गुड़िया आगे चांद से, कि आप जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, बढ़ते ही चले जाते हो और बड़े हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, और जब घटते हो तो बिल्कुल घटते ही चले जाते हो, घटते चले जाते हो, बिल्कुल छोटे हो जाते हो और खत्म हो जाते हो, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और आप जब बढ़ते हो तो इतना बढ़ते हो, और जब तक बढ़ते रहते हो जब तक आप गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। यह मर्ज, मर्ज होती है बीमारी, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, कि यह तो आपको कोई बीमारी है जो अच्छी नहीं होती, यह आपको बीमारी है जो कभी अच्छी नहीं होती, आप इस बीमारी से कभी ठीक नहीं होते, और ये बीमारी आपकी हमेशा रहती है। आप जब बढ़ते हो तो बढ़ते जाते हो, और जब घटते हो तो घटते ही रहते हो, और एक दिन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हो, हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। तो वो किसकी बात कह रही है गुड़िया, अमावस्या की। अमावस्या को क्या होता है, चांद बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो दिखता नहीं है। और पूर्णमासी को क्या होता है, वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, बिल्कुल बड़ा। तो इसमें क्या बात की है कवि ने, चांद की अमावस्या और पूर्णमासी के बारे में बात की है। पूर्णमासी के दिन चांद का पूरा रूप होता है, बड़ा रूप होता है, गोल रूप होता है, और अमावस्या को क्या होता है, बिल्कुल छोटा रूप, और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और दिखाई नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, आज ये लेसन नंबर 4 सिक्स्थ क्लास का पूरा हो चुका है। तो आप इसे घर पे अध्ययन करेंगे और इसकी जो व्याख्या मैंने करवाई है उसे याद करेंगे और इसे रफ नोटबुक में लिख के भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।